2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन MIC यानी कि मिथाइल आइसोसिनेट गैस के रिलीज होने के बाद उस हादसे के कारण भोपाल में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत और 5.73 लाख से ज्यादा लोग इस गैस के इफेक्ट्स की चपेट में आ गए थे। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीएस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। मगर उस ट्रेजेडी में भी किसी विक्टिम ने उस लेवल के इफेक्ट नहीं देखे जितने की इस अकेले शख्स को हर दिन झेलना पड़ता था। आखिर कौन है ये आदमी और इसके साथ क्या हुआ था, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये कहानी शुरू होती है 30 सितंबर साल 1999 के दिन, जब जापान न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन कंपनी एज नोन एज JCO की 3 एम्प्लॉइज कंपनी की टोकाई वाली फैक्ट्री के अंदर जोयो एक्सपेरिमेंटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे। न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली एक ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन्स के थ्रू टर्बाइंस को पावर करने के लिए हीट जनरेट करता है। अब ये न्यूक्लियर फिजनिंग प्रोसेस ही वो प्रक्रिया होती है जिसके जरिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी को जनरेट करता है और ये न्यूक्लियर फ्यूल बनाता है। और ये न्यूक्लियर फ्यूल बनता है 3 मेजर आइसोटोप से, यूरेनियम-233, यूरेनियम-235 और प्लूटोनियम-239। JCO तोकाई फैक्ट्री में उस दिन 3 वर्कर्स हिसासी आउची, मासातो सिनोहारा और उन दोनों के सुपरवाइजर युताका योकोकावा जब ऐसे ही एक वेसल में ये न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे तो उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या हुई कि उन्होंने 18.8% एनरिच्ड यूरेनल नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक ऐसे वेसल में डाल दिया जो क्रिटिकल लेवल से भी ज्यादा रेडियोएक्टिव केमिकल्स अपने अंदर स्टोर किया हुआ था। और ऐसा करते ही उन्हें टैंक में से एक तेज ब्लू रोशनी दिखाई पड़ी। फिर क्या हुआ, केमिकल इंबैलेंस की वजह से एक अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन होने लगी और कुछ ही सेकंड्स में पूरी फैसिलिटी के सारे गामा रेडिएशन अलार्म साउंड्स बजने लगे। तीनों जान चुके थे कि उनसे कुछ बहुत ही बुरा हो गया है और सारे जल्द से जल्द उस वेसल से जितना हो सके उतना दूर चले गए। मगर अनफॉर्चुनेटली इट वॉज स्टिल टू लेट। एक्सीडेंट होते ही हिसाशी और मासातो को पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा, उनका जी मचलने लगा और इवन सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ होने लगी। डीकंटामिनेशन सेंटर पहुंचते ही हिसाशी ने वॉमिट कर दी और एक्सीडेंट साइट के क्लोजेस्ट मौजूद तीनों वर्कर्स बेहोश हो गए। कुछ ही देर में सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनकी बॉडी को एग्जामिन करने पर पता चला कि दे आर बियॉन्ड एनीथिंग व्हिच हैड एवर हैपेंड टू समवन इन मेडिकल हिस्ट्री। हिसाशी 17 सीवर्ट से ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो चुके थे, मासाशो 10 सीवर्ट्स की रेडिएशन से और युताका की बॉडी 3 सीवर्ट्स के लेवल तक इररेडिएटेड हो गई थी। अब यह आंकड़ा कितना खतरनाक है इसे जानने से पहले आपको समझना होगा कि सीवर्ट्स होता क्या है। अब देखो, जिस तरह से वेट नापने के लिए ग्राम यूज किया जाता है ना, हाइट के लिए सेंटीमीटर्स, ठीक उसी तरह किसी बायोलॉजिकल बॉडी ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है उसे मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है वो है सीवर्ट। अब ये नंबर वर्कर्स के एक्सपोजर से कितना ज्यादा है चलिए ये समझते हैं। USNRC के डेटा के हिसाब से एक एवरेज अमेरिकन आज की डेट में जब मोबाइल फोन्स और डिजिटल गैजेट्स जैसी रेडिएटिंग इक्विपमेंट्स हमारे आसपास मौजूद रहती है उसके बीच में बैठता है ना, तब जाकर करीब 620 मिलीरेम रेडिएशन एनुअली रिसीव करता है। Now 620 millirems is equal to 6.2 millisievert और एक सीवर्ट में करीब 1000 millisievert होते हैं। अब अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो जितनी रेडिएशन आज की डेट में एक ह्यूमन साल भर में रिसीव करता है उससे 2742 गुना ज्यादा रेडिएशन हिसाशी की बॉडी कुछ ही सेकेंड्स में रिसीव कर चुकी थी। अब अगर यह आंकड़ा भी आपको कम लग रहा है तो एक सिचुएशनल कंपैरिजन समझिए। हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग जिसने कई किलोमीटर दूर खड़े लाखों लोगों की जान ले ली थी उसके हिपोसेंटर पर यानी कि जिस जगह वो बॉम्ब गिरा था उस इम्पैक्ट पॉइंट पे जो हाईएस्ट एनर्जी और रेडिएशन एस्टिमेट की गई थी उसी एनर्जी और रेडिएशन को हिसाशी की बॉडी अकेले एब्जॉर्ब कर चुकी थी, मेकिंग हिम द मोस्ट रेडियोएक्टिव मैन ऑन द प्लैनेट। अब कुछ ही समय बाद घटना की जानकारी मिलते ही हिसाशी की बीवी और उसका छोटा सा बेटा हॉस्पिटल पहुंचा।
उस वक्त हिसाशी को देखते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कुछ हुआ हो। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था और आंखें लाल पड़ी हुई थी और ऐसे ही रेडनेस उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी, मगर उसके सर के अलावा उसके बाकी शरीर में कोई भी कमी नहीं थी। ना बॉडी पे कहीं पर भी छाले थे और ना ही कहीं कोई जलने के निशान थे, मगर हिसाशी ने हाथ और कान के पास दर्द होने की शिकायत जरूर की थी। नाउ डॉक्टर्स वेयर अमेज्ड कि इतनी ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बावजूद ये आदमी और उसकी बॉडी इतनी बढ़िया कंडीशन में कैसे थी। लेकिन हिसाशी को शायद उसके चाहने वालों की ही नजर लग गई। 24 घंटे के अंदर ही उसे अचानक सांस आने में तकलीफ होने लगी। ऐसा उसे एक्सीडेंट के जस्ट बाद भी महसूस हुआ था, जिससे उसे बीच में आराम भी मिल गया था, पर अब उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। वो अपनी नाक से मान लो सांस ही नहीं ले पा रहा था और हिसाशी को छटपटाते हुए देख डॉक्टर्स ने तुरंत उसे ऑक्सीजन चढ़ा दी, मगर ये उसकी इकलौती परेशानी नहीं थी। डॉक्टर्स ने गौर किया कि उसका एब्डोमेन यानी कि पेट कल के मुकाबले ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। हालत जब और ज्यादा बिगड़ने लगी तो एक्सीडेंट के करीब 3 दिन बाद हिसाशी को टोक्यो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में एडमिट कराया गया और उसकी सारी रिपोर्ट्स कराई गई, क्योंकि डॉक्टर्स सीरियसली फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि उसकी बॉडी में हो क्या रहा है। Day 6 जब डॉक्टर्स के हाथ में रिपोर्ट आई तो इट वॉज अनबिलीवेबल। जब एक स्पेशलिस्ट हिसाशी के बोन मैरो में मौजूद क्रोमोसोम्स की इमेज देख रहे थे तो उन्हें क्रोमोसोम्स या नॉर्मल पैटर्न की बजाय सिर्फ स्कैटर्ड ब्लैक डॉट्स ही दिखाई दे रहे थे, जो कि अनयूजुअल था। एंड देन डॉक्टर फिगर्ड आउट कि रेडिएशन ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से हिसाशी को खत्म कर रही है। इस इमेज का मतलब यह था कि रेडिएशन इंपैक्ट की वजह से हिसाशी के बोन मैरो और क्रोमोसोम्स टुकड़ों में टूटने लगे थे, और चूंकि ये रिपेयर भी नहीं हो रहे थे इसका मतलब ये थी कि उसकी बॉडी ने नए सेल्स बनाने भी बंद कर दिए थे। डॉक्टर्स ने फैमिली को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है, और लकीली उसकी बहन ब्लड स्टेम सेल्स डोनेट करने को तैयार हो गई। स्टेम सेल्स को बेसिकली आप आसान भाषा में सेल्स का रॉ मटेरियल मान सकते हैं, जिनसे बाकी की स्पेशलाइज्ड सेल्स जनरेट और क्रिएट होती है, डिपेंडिंग कि वो स्टेम सेल्स किस कंडीशन में रखी गई है। नाउ फॉर एग्जांपल, बॉडी में कई तरह की सेल्स होती है, लाइक कार्डियक सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स वगैरह वगैरह, लेकिन ये सभी प्राइमरीली एक ही तरह के स्टेम सेल्स ही रहा करती थी, जो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से इस करेंट फॉर्म में इवॉल्व या डेवलप हो जाती है। डॉक्टर्स को लगा कि शायद बॉडी रिस्पॉन्ड करे, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। रेडिएशन ने जिस तरह का परमानेंट डैमेज हिसाशी की बॉडी को पहुंचाया था, उससे उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही थी। नए स्टेम सेल्स हिसाशी के शरीर में बनने शुरू हो ही नहीं रहे थे। अब चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, नए स्टेम सेल्स नहीं बन पा रहे थे, और जो सेल्स रेडियोएक्टिव इफेक्ट्स की वजह से डैमेज हो रहे थे ना, वो भी रिपेयर नहीं हो पा रहे थे। 2-3 हफ्ते तक भी जब कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इस बात को मान चुके थे कि हिसाशी का रिवाइवल अब मुश्किल है। हिसाशी का इम्यून सिस्टम बर्बाद हो चुका था, जहां उसके शरीर में नियरली 0 व्हाइट ब्लड सेल्स बचे थे। अब कहीं वो हॉस्पिटल में मौजूद बाकी पेशेंट्स के पैथोजेन से ही वो अफेक्टेड ना हो जाए, इसके लिए उसे स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया, बट स्टिल उसकी हेल्थ गिरती ही जा रही थी। 10 दिन बीतने के बाद उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी, और नो मैटर वो चाहे कितना भी पानी क्यों ना पी ले, उसकी प्यास वाली जो दर्द और छटपटाहट थी वो कम ही नहीं हो रही थी। हिसाशी का शरीर इतना वल्नरेबल हो चुका था कि जब डॉक्टर्स उसकी बॉडी से मेडिकल टेप भी हटाते थे, तब टेप के साथ साथ ना हिताशी की खाल भी नूच जाती थी। बेशक ये बड़ी दर्दनाक चीज थी, मगर इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये था कि हिसाशी की बॉडी नए सेल्स को बना ही नहीं रही थी, जिस वजह से जो खाल मेडिकल टेप्स के साथ उचड़ती है ना, वो हील ही नहीं हो रही थी। एपिडर्मिस, जो कि ह्यूमन बॉडी के स्किन में सबसे अपर मोस्ट हिस्सा होता है, जो कि उसके नीचे मौजूद नाजुक हिस्सों को डैमेज होने से बचाता है, इवेंचुअली हिसाशी के शरीर में वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। एक्सीडेंट के करीब 2 हफ्ते बाद उसने खाना भी बंद कर दिया था, या यूं कहे कि वो खाना खा ही नहीं पाता था। उसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स ने इंट्रावेनसली उसे फीड करना शुरू किया। आसान भाषा में कहा जाए, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट्स की नसों में फ्लूइड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। शरीर में एपिडर्मिस ना रहने के कारण उसका दर्द बढ़ता गया, और हर इक्विपमेंट लाइक नीडल वगैरह जो उसके शरीर में ज्यादा था ना, वो उसे किसी चाकू से ज्यादा दर्द पहुंचाता था। एक एक करके हिसाशी के कई सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे और उसके ऊपर मेडिकल अल्टरनेटिव्स यूज किए जाने लगे। एक्सीडेंट के करीब 2 महीने बाद उसे पहला हार्ट अटैक आया और उसकी सांसें रुक गई, मगर डॉक्टर्स उसे रिवाइव करने में कामयाब रहे। हिसाशी की हालत मौत से बदतर थी, और वो हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे मौत झेलता था। उसकी पूरी बॉडी में छाले
कपड़े पड़ गए थे, उसकी खाल खत्म हो चुकी थी, ना बंदा ढंग से सांस ले सकता था क्योंकि लंग्स ऑलमोस्ट अनरिस्पॉन्सिव थे, ना खा सकता था क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ करती थी, चलने फिरने की तो बात ही छोड़ दो, वो केवल एक लाश बन के रह गया था जो बस हमेशा लेटा रहता था, जिसे ना मुंह में खाना मिलता था और ना ही कोई और सुख। उल्टा मेडिकल नीडल्स हर दिन उसके शरीर में खंजर की तरह चुभा करती थी, जिसको लेकर वो अपने दर्द भी नहीं बयां कर सकता था। अब हिसाशी की बीवी की इच्छा थी कि वो बस 1 जनवरी तक जिंदा रह ले ताकि नई सदी की शुरुआत देख सके, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक्सीडेंट के करीब 83 दिन बाद 21 दिसंबर की रात करीब 11:21 पर हिसाशी को हार्ट अटैक आया और एग्जामिनेशन के बाद यह डिक्लेयर किया गया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हिसाशी आउची, एक खूबसूरत नौजवान बीवी बच्चों वाला आदमी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस घटना में दो और विक्टिम्स मासातो सिनोहारा और युताका योकोकावा भी रेडिएशन के इफेक्ट से बचे नहीं थे। कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 27 अप्रैल 2000 के दिन एक्सीडेंट के करीब 7 महीने बाद मासातो ने भी दम तोड़ दिया था। हालांकि युताका, जो कि इन दोनों के कंपैरेटिवली काफी कम रेडिएशन के प्रभाव में आए थे, उन्होंने 3 महीने चाइना में अपना इलाज करवाया और फिर ठीक होकर वापिस आ गए। अब जब बाद में कार्रवाई हुई तो कोर्ट ने कंपनी के 6 ऑफिशियल्स को इस घटना में लापरवाही के लिए दोषी माना, उन 6 में से युताका भी एक थे। सितंबर 2000 तक कंपनी ने एज ए कंपनसेशन 6875 लोगों को कलेक्टिवली $121 मिलियन दिए और एग्रीमेंट साइन करवाया कि उनमें से कोई भी JCO को आगे सू नहीं करेगा। अब इस घटना ने कानून की आंखें खोली कि रेडिएशन रिलेटेड जॉब्स में कितना ज्यादा रिस्क है और उस रिस्क के कंपैरिजन में एम्प्लॉइज की क्या दुर्गति हो रही है। उन्हें ना तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते थे और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसी नेग्लिजेंस की वजह से 2 हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो गए थे। इसके बाद जापान में बहुत सख्ती से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने के प्रावधान बनाए गए और बस फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती किसकी थी और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।